तभी तो राधे राधे। उम्मीद करता हूँ तुम तो लोग बहुत अच्छे होगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे, और बहुत समय बाद आज कैमरा फेस कर पा रहा, बहुत ही समय बाद है ना, वरना जो भी न्यूज रहती थी लैपटॉप से मैं बता देता था। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं लाइफ में कुछ अच्छी हैं, कुछ मतलब क्या है, सबके लाइफ में समस्याएं भी और कुछ अच्छी चीजें भी है, जो अब क्या ही बताए, मतलब सब कुछ देख रहा सकते हैं कैमरा पे। होते हैं हम लोग नहीं है कि काम भी कर रहे हैं, यहाँ वो भी कर सकते हैं, तो बहुत सी चीजें लिमिटेशन से अपने साथ भी। ठीक है, खैर चलो जो मुद्दे की बात है उस पे आते हैं। बच्चा ICR का, आई एम सो सॉरी माई बैड, ICR का एग्जाम हुआ था, याद ही होगा आप लोग को। भाई साहब ने सिलेबस का, 10th का सिलेबस देके छोटी गंगा बोल के नाले में जो कुदाया था उन्होंने, ठीक है वही वाला सीन इन्होंने किया था। खैर चलो कोई बात नहीं, तो ये मार्च 2022 में एग्जाम हुआ था, सही सही बात है। एग्जाम होने बाद कैंसिल भी हुआ, ये भी सही सही बात है। जो भी उन्होंने रीजन बताया था कि कुछ मिसकंडक्ट हुआ था या जो भी हुआ था, हम तो पेपर ही देख के बोले थे कि, पर पेपर देखो जो था वो पढ़ाया तो गया था। हाँ मैं जरूर मान रहा हूँ कि पेपर का लेवल अच्छा आया था, नो डाउट पेपर का लेवल अच्छा था और सिलेबस के अकॉर्डिंग से तो बहुत ही अच्छा था। ठीक है, खैर पहले जो हुआ अब वो ऐसा नहीं होगा, अब चीजें उससे भी और अच्छी आप लोगों को पढ़ाई जाएंगे और बताई जाएंगी। चलो मेन पॉइंट अगर आता है सर कि वैकेंसी, देखो उन्होंने बताया था कि एग्जाम होगा था कैंसिल, सही सी बात है। अब वो एग्जाम आपका हम दोबारा लेंगे 7 से 8 जुलाई को, 7 से 8 जुलाई को आपका वो री एग्जाम लेंगे, री एग्जाम आपका होगा, मतलब क्या कि एक और मौका, बढ़िया मौका है, सही बात है। ये चीज मैंने पहले ही जब ये आई थी आपकी कैंसिल के बारे में, तो उसे उसी में बताया था कि मन लगा के पढ़ो चीजें। ठीक है, तो अभी अप्रैल तो लगभग खत्म ही मानो, आपके पास मई बाकी है, जून बाकी है, 2 महीना दबा के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, और मेरे से जो बन पड़ेगा वो मैं करूंगा। ठीक है, आप लोग की जो प्रीवियस लेक्चर थी वो VOD वो एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, विथ डिस्काउंट, ऐसा मतलब प्रीवियस प्राइस है, वीओडी तो ऑब्वियसली मतलब डिस्काउंट पे रहेगा। ठीक है, ये चीजें हैं, बाकी लाइव क्लास के बारे में देखते हैं, क्योंकि वेब सर का भी सीन जो है जो साइंस पढ़ा रहे थे। ठीक है, आप लोग प्राइस बताइए कि IIT जो भाई टैलेंटेड लोग थे, तो एग्जैक्ट इनका असिस्टेंट प्रोफेसर उसमें गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये भी अभी यहाँ पे नहीं है, वो भी अभी आएंगे, ठीक है जल्दी आने वाले हैं वो भी। ठीक है, तो अब छुट्टी होने वाली है आई थिंक 2 2.5 महीने की, तो सरकारी आदमी है भाई, सब सब लोग हम लोग तो क्या ही किया जाए। ठीक है, तो वो वहां पे बिजी है, बट वो आएंगे और आपको पढ़ाएंगे और बढ़िया साइंस पढ़ाएंगे। ठीक है, बट मैं उनसे कंसल्ट कर लूंगा, तब तक आपको VOD एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आप वहां से लेकर तैयारी कर सकते हो सभी सब्जेक्ट का, जो जो था प्रीवियस बच्चे थे, आप लोगों को भी डिस्काउंट अवेलेबल करा दूंगा, आज नहीं है लेकिन ये आपको 1 2 दिन में आपको सब कुछ वेल डिटेल्ड, वेल एक एक चीज में करके मिल जाएगी। ठीक है, और चलो सभी के लिए कर देते हैं, आप मेरे को लगा कि जो बच्चे पेट से पहले उनके लिए, बट सभी के लिए कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खैर मुद्दे की बात वो सब तो अलग अलग बात है, लेकिन मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि बेटा इस मौके को जाने मत देना, इस मौके को मत जाने देना। ठीक है, जो गलतियां प्रीवियस बार हो गई थी ना, अब वो नहीं होनी चाहिए। गलती बार बार नहीं दोहराई जाती, गलती एक बार होती है ना, जैसे प्यार एक बार होता है ऐसे गलती भी एक बार होती है। ठीक है, अगर आप बार बार एक ही गलती कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसको लेके या तो सीरियस नहीं है, उसको मतलब गलत मत समझना, अपने एम को लेके, अपने टारगेट को लेके आप सीरियस नहीं है, उसको भी लिख मान सकते हो। ठीक है, और दूसरा या तो आप सीरियस नहीं है या तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहा है ना, अगर आप बार बार गलती कर रहे हो तो मतलब फिर एक मतलब मुझे वो शब्द कहना नहीं चाहिए, बट चलो मैं नहीं कहूंगा। ठीक है, समझ लेना मतलब अपने क्या बोलू, वो सब नहीं बोल सकता मैं। ठीक है, मतलब आप गलती मत करो यार, सीरियस रहो बेसिकली। ठीक है ना, तो यही सब चीजें हैं जो न्यूज है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली न्यूज। और मैं यूट्यूब पे भी सोच रहा हूँ कि इसके जो कुछ लेक्चर्स हैं, ठीक है,
लाइक चीज वाले क्वेश्चन के एमसीक्यू प्रैक्टिस यूट्यूब पे स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है। अभी आपके गोविंद सर वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक है, वो अवेलेबल है। तो इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन उनसे अवेलेबल करा बोल देता हूँ कि अवेलेबल करा दीजिए बच्चों को, वो यूट्यूब पे भी चलेगा और उनकी लाइव क्लासेस देखेंगे जीएस क्वेश्चन, तो मैं एप्लीकेशन पे उनके करवा दूंगा, ठीक है। इकोनॉमी भी हो जाएगा साथ साथ में उनसे जितना चीजें हो पाए, ठीक है, अदर सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन बच्चा सबके साथ है ना, तो बस वो वाली चीज़ है। मेरी सिर्फ जितनी कोशिश रहेगी मैं सब कुछ अपलोड कराऊंगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो सब कुछ मिलेगा एक तो भी मिलेगा और एप्टी बहुत ही मिनिमम पर, बहुत ज़्यादा मिनिमम, मतलब बहुत ही ज़्यादा मिनिमम समझ, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिनिमम, मतलब एक जियो का रिचार्ज से भी सस्ता, बस इतना ही समझ लो। आजकल जियो का रिचार्ज बहुत महंगा हो चुका है, उससे भी बहुत सस्ता, इतना समझ लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, आपको अगर कुछ डाउट हो, कुछ समस्या हो, कुछ संकट हो, तो आप बेशक कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, चलिए राधे राधे।